आज पोहरी विधानसभा के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा को NMOPS के जिला अध्यक्ष भरत सिंह धाकर के नेतृत्व में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश में वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। इससे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहरिया के नेतृत्व में 5 महाकुंभ आयोजित किए जा चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक क्षेत्रीय विधायकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया गया। उसी क्रम में आज पोहरी विधानसभा में भी वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष भरत सिंह धाकड़ के साथ महेश स्वर्णकार, शिव कुमार श्रीवास्तव, अमर सिंह कुशवाहा, राजेश चौरसिया, हेमंत भार्गव, अमित जेमनी, रामगोपाल सोनी, भारत मित्तल, संजय त्रिवेदी, सीताराम धाकड़, नासिर खान, सुखलाल वर्मा, मोहर सिंह पावर, भानु प्रताप चंदेल, राजेंद्र धोरे, दयाराम जाटव, पवन लक्षकार, मनोहर सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आए राज्य मंत्री के गृह निवास पर पहुंचे हैं और एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या ज्ञापन सौंपा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक वरिष्ठता से पुरानी पेंशन के लिए सभी क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परमानंद डहरिया जी के मार्गदर्शन में ये सुनिश्चित किया गया। उसी क्रम में आज पोहरी विधानसभा में हमारे क्षेत्रीय माननीय मंत्री महोदय को ये ज्ञापन हमारी मुख्य मांग है जिसके दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाल। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी तय करेंगे और उसी क्रम में हमारा ये आंदोलन आगे जारी है।